और यहाँ पर आपको खबर दें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का आगाज हो गया है। नॉर्थ नाजिमाबाद में हल्की बारिश शुरू हो गई है। बहरिया टाउन, गुलशन मेमार समेत मुलहका इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। एयरपोर्ट, मॉडल कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव अफनान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव अफनान, आगाह कीजिएगा, तो प्री मानसून का आगाज हो गया आज कराची में। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुका है। शहर का जो ज़िला शर्की है, गरबी है, उसके मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही है और महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक ये सिलसिला 19 जून तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से पहले पेशगोई कर दी थी, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। अगर बारिश तेज़ होती है तो जिस तरह गुज़श्ता सालों में भी शहर कराची के अंदर जो शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बनी रही, बिजली के करंट लगने से जो है वो हलाकत रिपोर्ट होती रही, तो यही सूरत हाल खुदा ना खास्ता वो देखने में आ सकती है, क्योंकि उसके इंतजाम नहीं किए गए। ना नाली के साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, खड्डे खुदे हुए हैं और ऐसी सूरत हाल में शहरियों को खासा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 19 जून तक जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, एयरपोर्ट, शारा फैसल, शाह फैसल, ये तमाम ही वो इलाके हैं जहाँ इस वक्त हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।